रायबरेली जिले के महाराजगंज विकास खंड में औचक निरीक्षण पर पहुंचे ग्राम विकास आयुक्त वीरेंद्र सिंह ने विकास खंड में अनेक अभिलेखों का निरीक्षण किया तथा साफ सफाई व गंदगी पर उपस्थित कर्मचारियों तथा खंड विकास अधिकारी को जमकर फटकार लगाई। ग्राम विकास आयुक्त के आने की सूचना पर विकास खंड में बैठे अधिकारी व कर्मचारियों को पसीने छूटता नजर आया। आपको बता दें कि औचक निरीक्षण करने पहुंचे ग्राम विकास आयुक्त वीरेंद्र सिंह ने सबसे पहले विकास खंड परिसर पहुंचकर मनरेगा सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी ली तथा उपस्थित कर्मचारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप गांवों में चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएं तथा गांवों में स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाए गए शौचालयों को समुचित व्यवस्था में सुचारू रूप से चलाएं। अन्यथा जिस ग्राम सभा से गंदगी व अनियमितताएं की शिकायत मिली उस ग्राम सभा का संबंधित अधिकारी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। इसी क्रम में क्षेत्र के चंदापुर गांव पहुंचकर उन्होंने वरिष्ठ भाजपा नेता राजा कौशलेंद्र प्रताप सिंह के आवास पर जाकर मुलाकात की तथा वहीं बैठकर अधिकारियों के साथ चलाए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा भी की। मौजूद ग्रामीणों ने चल रहे विकास कार्यों के बारे में अपनी राय बताई। इसके अलावा ग्राम विकास आयुक्त वीरेंद्र सिंह ने चंदापुर ग्राम सभा में स्थित तालाब का निरीक्षण भी किया तथा मिनी सचिवालय का भी निरीक्षण किया। उन्होंने मनरेगा संबंधित कार्यों के बारे में गहनता जांच पड़ताल की, जिस पर ग्राम विकास आयुक्त ने डीसी मनरेगा को मानक के अनुरूप कार्य न कराए जाने पर जमकर फटकार लगाई। इसी क्रम में उन्होंने चंदापुर ग्राम सभा में उपस्थित प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों से भी कुशल क्षेम पूछा तथा आवास लाभार्थियों से यह भी कहा कि किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई व परेशानी तो नहीं है, जिस पर आवास लाभार्थियों ने कहा कि खाते में पैसा आया है, निर्माण कार्य किए जा रहे हैं और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इस मौके पर ग्राम विकास अधिकारी शिखर शुक्ला, ग्राम विकास अधिकारी मनोज कुमार, आदित्य कुमार, अजीत सिंह सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारीगण मौजूद रहे। आइए देखते हैं इसके इंडिया न्यूज के लिए रायबरेली से रजनीकांत अवस्थी की रिपोर्ट। सर कहाँ आए थे, क्या निरीक्षण किया? हम लोग विकास खंड परिषद में खड़े हैं और आप देख रहे हैं कि विकास खंड के पहले कार्यालय का निरीक्षण हुआ है, उसके पश्चात जो यहाँ पर परिसर में भवन है और जो अन्य बिल्डिंग्स हैं उसका निरीक्षण हुआ है। इसके पूर्व यहाँ पे जो अभिलेख हैं, जो सरकारी कार्यक्रम चल रहे हैं, जो योजनाएं चल रही हैं उसके संबंध में जानकारी प्राप्त की गई है और देखा गया है कि योजनाएं किस ढंग से संचालित हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक शौचालय जो बनाए उनकी स्थिति बड़ी बदतर है साहब, इस विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत क्या कहना है? सामुदायिक शौचालयों के रख रखाव के लिए एक कर्मी की नियुक्ति हुई है और उसको मानदेय की भी व्यवस्था है और सफाई के उपकरण इत्यादि भी दिए जाते हैं। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो शासन का निर्देश है उसके मुताबिक साफ सफाई ठीक है।